गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का कम्युनिटी मेडिसिन का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था डिजीज कंट्रोल के बारे में, उसी के ही कंटिन्यूशन में हम लोग आज आगे बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में जैसे हम लोग बात कर रहे थे आइसबर्ग फिनोमिना की, कि डिजीज जो कम्युनिटी के अंदर हमारी जो डिजीज होती हैं उसका असेसमेंट हम किस तरीके से करते हैं। बहुत सारी डिजीज़ कम्युनिटी में ऐसी होती हैं जो हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में होती हैं, पेशेंट हमारे पास में आते हैं, ऑन रिकॉर्ड होते हैं और हमें वो डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है। और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो सब क्लिनिकल होती हैं, यानी हमें सोसाइटी में विजिबल नहीं है बट सोसाइटी में प्रेजेंट है। वो डिजीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं, क्योंकि वो डिजीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही हैं और सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं सब क्लिनिकल फॉर्म में है और उसके लिए पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है, और उसकी वजह से सोसाइटी में हेल्थ का कहीं ना कहीं जो स्टेटस है वो नेगेटिव ट्रैक पर हमें जाता हुआ नज़र आता है। तो उसको एलिमिनेट करना, उसका पता लगाना, वो था हमारा आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ कंसेप्ट के बारे में हमने बात की थी। इसके बारे में फिर डिजीज़ कंट्रोल के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो भी कम्युनिटी में डिजीज हैं जब हमें पता चल जाती हैं, वो चाहे क्लिनिकल हों या सब क्लिनिकल हों, तो उनको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि डिजीज़ के इंसिडेंस को रोक करके, यानी उसके बढ़ने को रोक करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, देन उसकी इंटेंसिटी को रोक करके या कम करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, देन उसकी जो भी सेकेंडरी स्टेजेस होती हैं उसको कंट्रोल करके हम देख सकते हैं, या कम्युनिटी में फाइनेंशियल बर्डन जो है उसको रिड्यूस करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी ऑर्डर में डिजीज़ कंट्रोल के बाद में जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने निकल करके आता है कम्युनिटी में हेल्थ स्टेटस को बनाए रखने के लिए, वो नेक्स्ट स्टेप है डिजीज़ एलिमिनेशन। तो डिजीज़ एलिमिनेशन का मतलब क्या है? डिजीज़ एलिमिनेशन इट इज़ अ मिड स्टेप बिटवीन डिजीज़ कंट्रोल एंड डिजीज़ इरेडिकेशन। तो डिजीज़ कंट्रोल और डिजीज़ इरेडिकेशन, इनके बीच का जो स्टेप होता है उसे हम कहते हैं डिजीज़ एलिमिनेशन, यानी उसे सोसाइटी से बाहर निकाल देना, यानी उसे लगभग ख़त्म करने के लिए या उसे सोसाइटी में उसकी प्रेजेंस को मिनिमाइज करने का जो हमारा एफर्ट होता है उसे हम डिजीज़ एलिमिनेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम लोग मीजल्स की बात करते हैं तो मीजल्स को काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर हम लोगों ने कम्युनिटी से कर दिया है, पोलियो हो गया, डिफ्थीरिया हो गया, तो ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो एलिमिनेट हो चुकी हैं हमारी कम्युनिटी से। इसके बाद फिर बात आती है डिजीज़ इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? टू रूट आउट द डिजीज़, टू कम्प्लीटली एलिमिनेट और टू कम्प्लीटली रूट आउट द डिजीज़। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी डिजीज़ जिनको हम लोग सोसाइटी से, कम्युनिटी से, हम अगर लार्ज लेवल पे बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो डिजीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, ठीक है ना। जो भी एफर्ट्स हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के या डिजीज़ को प्रिवेंट करने के, तो इरेडिकेशन की जो बात हम कर रहे हैं, इरेडिकेशन का मतलब हो गया कि किसी भी डिजीज़ को कम्प्लीटली कम्युनिटी से ख़त्म हो जाना। यानी अगर हम उसको किसी भी लेवल पर बात करें, हमारी कंट्री के लेवल पर बात करें या वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो वो डिजीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, या पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो कुछ सालों में उसका कोई भी नया केस हमारे सामने निकल करके जब नहीं आता तो हम उसे डिजीज़ इरेडिकेशन की फेज़ में मान करके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात अगर हम करें तो चिकन पॉक्स जो है वो हमारे एक ऐसी डिजीज़ है जो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, जो ख़त्म हो चुकी है। तो उस डिजीज़ को WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि चिकन पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से। तो इस तरीके से हमारे सामने इरेडिकेशन, डिजीज़ इरेडिकेशन भी एक स्टेज है। तो डिजीज़ कंट्रोल हो गया, डिजीज़ एलिमिनेशन हो गया, डिजीज़ इरेडिकेशन हो गया। तो ये डिजीज़ को कम्युनिटी के अंदर अलग अलग लेवल हैं कि हम उसको किस किस तरीके से, किस किस स्तर पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग एफर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमारे सामने कंडीशन आती है मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस। तो अब एक नई चीज़ हमारे सामने क्या निकल करके आती है कि जो भी वर्क हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ स्प्रेडिंग को रोकने के, डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, डिजीज़ को रूट आउट करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो एफर्ट्स हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे, उसका ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है इस मैटर के ऊपर भी। तो उसको जब हम देखते हैं कि वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो पा रहा, या जो टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं वो टारगेट्स प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे, तो उसे हम लेकर के चलते हैं मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस के अंडर में।
तो मॉनिटरिंग क्या होगी, मॉनिटरिंग यानी एक ऐसी स्टेट जहां पर हम देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स लेकर के आती है, हेल्थ प्रोग्राम्स लेकर के आती है, तो वो प्रोग्राम्स जो हैं वो सही तरीके से गवर्न हो रहे या नहीं हो पा रहे, उनका पब्लिक के अंदर प्रॉपरली यूटिलाइजेशन उनका हो रहा है या नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो होती है या जो भी अथॉरिटीज हैं, हेल्थ अथॉरिटीज हैं, वो एक टीम का फॉर्मेशन करते हैं, वो टीम जो है उन प्रोग्राम्स को देखती है, उनको मॉनिटर करती है कि वो सही तरीके से जो भी टारगेट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो पा रहे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें और अच्छे से समझने के लिए, सपोज इम्यूनाइजेशन की हम बात करें, तो इम्यूनाइजेशन जो है वो एक ऐसा शेड्यूल है कि टाइम टू टाइम जितने भी जो इन्फेंट्स हैं उनको प्रॉपरली एक साइकिल के साथ में, टाइम साइकिल के साथ में, टाइम शेड्यूल के साथ में उनको इम्यूनाइजेशन जो है उनका वो प्रॉपरली होना चाहिए, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन उनका प्रॉपरली होना चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपरली एक कार्ड बनता है, जो पीएचसी है, सीएचसी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर वो कार्ड रजिस्टर होते हैं, वहां पर जो भी इन्फेंट्स हैं, जो मदर्स हैं वो जाती हैं, उनका प्रॉपरली उस तरीके से उनकी मॉनिटरिंग हो करके उसका सारा का सारा डाटा निकल करके आता है। लेकिन साथ के साथ टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इस चीज की मॉनिटरिंग भी करती है कि जो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल ऑप्ट किया गया है वो प्रॉपरली जितने भी बच्चे उसके अंडर में आ रहे हैं, जो भी रजिस्टर्ड हैं, क्या वो टाइमली अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं, इम्यूनाइजेशन करा रहे हैं या नहीं करा रहे। अगर वो नहीं करा रहे हैं तो फिर उन लोगों को ट्रैक करना और उनको इस चीज के लिए अवेयर करना कि ये उनके लिए कितना जरूरी है और किस तरीके से इसको किया जाए। तो ये है मॉनिटरिंग। इसके अलावा सपोज जैसे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, सपोज टीबी से रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं कि टीबी जो है वो खत्म हो जाना चाहिए कम्युनिटी से, मलेरिया इरेडिकेशन का है तो वो एक प्रोग्राम जो हो गया, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम जैसे है हमारे सामने, तो वो मलेरिया के केसेस जो हैं वो उसको खत्म करने के लिए, मलेरिया के लिए नेशनल मलेरिया प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है, तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो उसके साथ साथ में जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं वो उसके उसकी वजह से जो भी डाटाज हमारे सामने निकल कर के आ रहे हैं उसमें नए केसेस जो हैं वो कितने कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको देखना, ये हमारे सामने एक मॉनिटरिंग की स्टेज होती है जिसको हम लोग देखते हैं। देन मॉनिटरिंग के अंदर ही सर्वेलेंस। तो अब देखिए एक ही चीज है, मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस देखा जाए तो एक ही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या है? सर्वेलेंस मॉनिटरिंग में डिफरेंस ये है कि सर्वेलेंस जो है वो मॉनिटरिंग का ही और एक डीप एनालिसिस है उसका, और उसको देख करके उसके बाद में उसमें से इस चीज को देखना कि जो मॉनिटरिंग हो रही है वो भी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो रही है नहीं हो पा रही, उसे भी देखना जरूरी है। तो आप समझे कि एक तो प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा उसे हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग। देन मॉनिटरिंग भी सही तरीके से हो रही है या नहीं हो पा रही उसे हम कहते हैं सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस क्या होता है? सर्वेलेंस ऐसी कुछ कमेटीज होती हैं सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो उन मॉनिटर करने वाले जो भी लोग हैं, जो टीम्स हैं, उनको भी वो देखती हैं और उनको ट्रैक करके फिर प्रॉपरली देखती हैं कि वो जो मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो भी उसे सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे प्रॉपरली, उस चीज का जो मॉनिटरिंग का जो एक वर्क उनके पास में है वो भी सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो ये चीज जो है वो निकल करके हमारे सामने आती है, उसे हम कहते हैं सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस क्या है कि मॉनिटरिंग विद सस्पेक्टेड थॉट्स। तो एक तरीके से हम लोग सस्पिशन की दृष्टि से उस मॉनिटरिंग को हम देखते हैं कि वो सही तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं हो पा रहा, तो उसे हम कहते हैं सर्वेलेंस। तो मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस, ये हमारे सामने एक और स्टेज आती है जिसे हम लोग कम्युनिटी के अंदर जो भी हेल्थ की कंडीशंस हैं उन्हें ट्रैक करते हैं और ट्रैक करके उनका सही तरीके से वर्किंग फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो पा रही उसे हम लोग देखते हैं। और उसके बाद में लास्ट में एक आता है इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? इवेल्यूएशन एक लास्ट स्टेप हो गया डिजीज से रिलेटेड या कम्युनिटी में जो भी डिजीज स्प्रेडिंग है उससे रिलेटेड, एक लास्ट स्टेप हो गया इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी काम, जो भी वर्क किया जा रहा है वो स्टार्टिंग से लेकर के वो कंट्रोल का हो गया, एलिमिनेशन का हो गया, इरेडिकेशन का हो गया, मॉनिटरिंग का हो गया, सर्वेलेंस का हो गया, ये जितने भी काम हमने किए करने के बाद में अल्टीमेटली लास्ट हमारे सामने रिजल्ट क्या रहा उस रिजल्ट को हम कहते हैं इवेल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना? तो कंट्रोल के लिए जो हमारे सामने डाटा निकल करके आए कि हमने सारी लेबर की, हमने सारी मेहनत की, प्रोग्राम्स चलाए,
प्रोग्राम्स के बाद में लोगों को हम लोगों ने हेल्थ एजुकेट भी किया, उन प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग भी हम लोगों ने कर दी, डिजीज को हटाने के लिए एफर्ट्स भी कर दिए, कैंपिंग भी कर दी, सारे काम हमने कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे सामने क्या निकल करके आया वो हमें देखना है कि वो जिस भी डिजीज के लिए हम वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी में हेल्थ स्टेटस के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे सामने उसका क्या आउटपुट निकल करके आया कि क्या वो जो थी डिजीज या कम्युनिटी के अंदर हेल्थ स्टेटस है वो पॉजिटिव ट्रैक पर आया या नहीं आ पाया, या डिजीज जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे थे वो खत्म हुई या नहीं हुई, या जो डाटाज हमारे सामने आए थे वो पहले से और बेटर ट्रैक पर आए, पॉजिटिव ट्रैक पर आए या नहीं आ पाए। तो इसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल या इवैल्यूएशन ऑफ डिजीज। तो ये हमारे सामने एक लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि अल्टीमेटली रिजल्टेंट क्या रहा, और इस इवैल्यूएशन के बेसिस पर ही कि जो हमारे सामने लास्ट में इवैल्यूएशन या जो रिजल्ट निकल करके आया उसके बेसिस पर ही फर्दर प्लानिंग होती है। अगर जो एफर्ट किए गए वो सही थे, रिजल्ट्स डाटाज हमारे फेवर में थे, हमारे जो एफर्ट थे वो सही तरीके से काम कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी के अंदर डिजीज की स्प्रेडिंग भी रुक गई, उसका होना भी रुक गया, नए केसेस आने भी रुक गए, या अल्टीमेटली मॉनिटरिंग जो थी वो भी प्रॉपर तरीके से हो रही थी, सब लोगों का जो भी वर्क था वो प्रॉपर वे में हो रहा था, ये सारी चीजें सही थी, तो अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे सामने पॉजिटिव आएंगे, तो इसका मतलब ठीक ट्रैक पर चल रहे हैं और उसी ट्रैक को हम लोगों को कंटिन्यू करना है। बट अगर कहीं ऐसा निकल करके आ रहा है कि जितने भी एफर्ट्स किए गए वो करने के बावजूद भी अल्टीमेटली हेल्थ स्टेटस जो है वो कम्युनिटी का ठीक नहीं हो पा रहा, पॉजिटिव ट्रैक पर नहीं हो पा रहा, या जिस भी डिजीज के लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से फिर भी उसके केसेस कम नहीं हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हो सकता है कि हमें नए एफर्ट्स करने की जरूरत हो, या गवर्नमेंट को नई प्लानिंग करने की जरूरत हो, नए तरीके से इन चीजों को हम लोगों को लेने की जरूरत हो। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन के अंदर इस चीज को लेकर के चला जाता है कि अगर सही तरीके से वर्क नहीं हो पा रहा या सही तरीके से हमारे सामने रिजल्ट नहीं आ पा रहे, तो फिर नई प्लानिंग होगी, नए तरीके से एक हमारे सामने डाटा जो भी निकल करके आ रहे हैं उनका एनालिसिस होगा, और उसके अकॉर्डिंग अब नए स्टेप्स क्या लेने हैं, या नए और क्या मेजर्स होने हैं, या जो भी हम लोगों ने देखा इसमें हमें क्या कमियां क्या नजर आई, कि जितने भी एफर्ट किए उन एफर्ट्स के अंदर कहां पर लैक्यूना कहां रहा, कि क्या लोगों की वर्किंग सही नहीं थी, या जो हेल्थ मेथड्स थे वो हम लोगों ने सही तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए थे, तो साथ ही पब्लिक जो था वो कॉपरेशन पूरा था या नहीं था, या वहां की एनवायरमेंटल कंडीशंस जो थी वो फेवर में थी या नहीं थी। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं उन सब चीजों को लेकर के माइंड में एक हमारे सामने एक एक थॉट डेवलप होता है, साथ ही ऑन पेपर हमारे सामने एक डाटा की अवेलेबिलिटी होती है, और उसके अकॉर्डिंग एक हम लोग एक सारे की सारी समरी बनाते हैं और एक इवैल्यूएशन करते हैं कि जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट स्टेप्स लेने होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने सारा का सारा हम लोगों ने डिजीज से रिलेटेड हम लोगों ने बात की इस लेक्चर के अंदर, कि डिजीज क्या होती है, कंसेप्ट डिजीज का क्या होता है, डिजीज जो होती है क्लिनिकल सब क्लिनिकल हमारे सामने किस तरीके की निकल करके आती है, डिजीज को कंट्रोल या डिजीज को हम लोग मिनिमाइज जो है वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल अगर होगी तो फिर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उसको हम लोग एलिमिनेट ही कर दें, हमारी कम्युनिटी से हटाने की कोशिश करें कि खत्म हो जाए, साथ ही उसके बाद में वो अगर खत्म हो रही है हमारी कम्युनिटी से एक लोकल कम्युनिटी से, तो फिर उसको नेशनल लेवल पर या हम लोग अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो उस लेवल पर हम उसको इरेडिकेट करने के लिए एफर्ट करें। तो इस तरीके से जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर हमारे सामने निकल करके आते हैं, जिनके बेसिस पर एक एक टारगेट होता है, एक बेसिक हम लोगों के सामने एक ऑब्जेक्ट होता है कि किसी भी तरीके से एक लास्ट ऑब्जेक्ट या अल्टीमेट ऑब्जेक्ट हम लोगों का क्या है कि कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ स्टेटस है वो अच्छे से अच्छा बना रहे, लोगों की हेल्थ स्टेटस है वो अच्छे से अच्छी रहे, पॉजिटिव ट्रैक पर बनी रहे, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स हम लोग करते हैं वो सारे के सारे एक सही तरीके से सही मोड पर और एक सही प्लानिंग में सही गाइडेंस के अंदर होते रहे। तो ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर आज हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से हमें इन सब चीजों को लेकर के चलना होता है और किस तरीके से ये सारी चीजें जो होती हैं कम्युनिटी में पॉजिटिव ट्रैक पर लाने के लिए जो एफर्ट्स होते हैं जितने भी वो सारे किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, अभी तक हम लोगों ने डिजीज की बात की थी, हेल्थ की बात की थी, अब हम प्रॉपरली जो हमारा एक प्रिवेंशन का ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग जो भी हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन है हम उसके बारे में बात करेंगे, और उससे रिलेटेड हम लोग जो भी टॉपिक होगा हमारा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।